पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें अभी तक संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, हर प्रकार के एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचाकर रखा। और इस संध्याकालीन में तूने पिता परमेश्वर अपने चरणों में लेकर आया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह से हमें चलाया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया से पिता परमेश्वर तूने हमें जीवित और भला चंगा रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर, भय योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता के नाम की जय जयकार करें, उसके उपकारों के लिए, उसके भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, उसके उपकारों के बदले, उसकी भलाइयों के बदले हम उसे क्या दें? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के चरणों में आए और धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रब संदरा बनला रदा बनला रब। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, कई बार हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं, उसके प्रेम को भूल जाते हैं। और जैसा मेरा और परमेश्वर का संबंध होना चाहिए, वैसा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता है, इसलिए कई बार हम असफलता को प्राप्त करते हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम नहीं करते हैं, इसके वजह से कई बार हम असफलता को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की जयजयकार करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके वचनों पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड, उसने मुझे और आपको संकट से बचाने के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वचन में लिखा है कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो गए हैं, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हमारे गुनाह क्षमा किया गया है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता, मैं तुझे सारे संकट से छुड़ा लूंगा, मैं तुझे सारे संकट से बचाऊंगा। और सचमुच में जो प्रभु के पास भूख और प्यास के साथ आता है, उसके चरणों में आता है, परमेश्वर पिता उसे सारे संकट से छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर पिता कहते हैं, उसने जो मुझसे इसने किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और संकट के समय में मैं उसके साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताइए, परमेश्वर आपके ऊपर कोई भी संकट आने नहीं देगा। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे डेरे के पास नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। किसके डेरे के पास नहीं आएगा? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठता रहता है, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन प्रभु के कदमों में आइए, उसके नाम की महिमा कीजिए। बिस्तर में जाने से पहले उसका धन्यवाद कीजिए, बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले उनसे मुलाकात कीजिए और अपने मन की सारी बातें खोलकर बता दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके मन में जो भी है, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ, जो भी मुसीबतें, जो भी संकट, कुछ भी बात हो, आप खोल कर बता दीजिए। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया रब शंदर बन लर दब रिखना लर रा रा बा 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 रशकन लर थीना लर दब परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु खम बा 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 रा बा लर दब रिखना लर रा बा नलर दब नलर दब बा 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 रशकन लर थी। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर जितने भी मेरे साथ मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिस स्थान से प्रार्थना हो रही परमेश्वर, उन स्थानों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, पवित्र आत्मा की आग से भर दे खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी महिमा हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी जय जयकार हो खुदा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का आग उतरने पाए, आपके महिमा के बादल घेरने पाए, प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी संकट से मुसीबतों से होकर जा रहे हैं प्रभु, उनको तू छुड़ा ले, बचा ले, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा लीजिए खुदा। पिता परमेश्वर जो गरीबी अवस्था से होकर जा रहे हैं, जो बीमारी की हालत से गुजर रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, उन लोगों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी पिता परमेश्वर परेशानी के स्थिति में है प्रभु यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा दीजिए। जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर सुधी ले, उनकी सुधी ले, उनकी सहायता कर, उन्हें संकट से बाहर निकाल खुदा, उन्हें बेरोजगारी से बाहर निकाल, उनके बीच में सब प्रकार का क्लेश, सब प्रकार की संकट मुसीबतें समस्याएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। ऐसे ही लोगों को तूने चुना ताकि धनवानों को तू लज्जित करे, बलवानों को तू लज्जित करे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए खुदा प्रभु यीशु के नाम से। उनके लिए तू मार्ग को तैयार कर परमेश्वर, आने वाले दिनों में उनके पास जॉब रहे, एक अच्छा बिजनेस रहे और उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ जाए, दुनिया के कोने कोने में उनका बिजनेस बढ़ जाए परमेश्वर पिता आशीषित कर। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, योजनाएं बना रहे हैं, उनको तू ऊंचा उठा खुदा यीशु के नाम से, उन्हें सफलताएं दीजिए, उन्हें हर प्रकार के संकट से बाहर निकालिए खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी HIV से पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, शुगर से पीड़ित थे और नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, ऐसे लोगों को तू छू ले, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे और परमेश्वर आज वो चंगाई को प्राप्त करे। मेरे प्रिय, आप जितने भी बीमारी के हालत में प्रभु के और करीब आइए, और करीब आइए और प्रभु के नाम की महिमा कीजिए। प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रब संदर रब नल रद बन नल रब रिखा नल रथी नल रद नल रब। तू चंगाई दे खुदा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते, विशेष करके उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिन परिवारों में क्लेश, लड़ाई, झगड़े, कोई शांति नहीं है। पिता परमेश्वर हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है, मारामारी होती है, ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं सब प्रकार का संकट, क्लेश और पीढ़ियों का श्राप खत्म यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो खत्म हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। परिवार में सब शांति और तसल्ली आने पाए प्रभु, तू दया कर, रहम कर, परिवारों को टूटने और बिखरने से बचा ले। ऐसे कई परिवार टूट रहे, बिखर रहे परमेश्वर, यीशु के नाम में शांति और अमन बनाए रखे परमेश्वर यीशु के नाम से। उनके परिवार में शांति, उनके परिवार में सुख आने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार के क्लेश और संकट खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे, उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे परमेश्वर, वो अलग अलग ना रहे बल्कि पिता परमेश्वर
आपकी महिमा करने वाले बन जाए, एक दूसरे के संग रहने वाले बन जाए, एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाए, और सबसे ज्यादा तेरा आदर करने वाले बन जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खम बाबा बाबा रसकन लरथी रिखन लरथी न लरदन लरबा। यीशु के नाम से आशीषित करे जितने भी जवान लोग पिता परमेश्वर जो भटक रहे हैं, पिता परमेश्वर अपने परिवार का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते, लड़ाई झगड़े करते हैं, नशा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से उनका नशा छूट जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नशा छूट जाए, लड़ाई झगड़े छूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। तू दया कर, रहम कर, रहम कर परमेश्वर यीशु के नाम से। खमा बाबा बारा सिकन लरथी रिखा न लरथी न लरदा न लरदा। यीशु के नाम से तू दया कर और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए उन जवानों को इस्तेमाल कर खुदा। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। उन लोगों के लिए मैं विश्वास करके प्रार्थना करता हूँ जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु। उन बहनों की कोख को खोल दे, उन पर रहम कर, दया कर, और उनके बीच में सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार का क्लेश संकट खत्म हो जाए, सब प्रकार की गुप्त रोग खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तो दया कर, रहम कर, आशीष दे, चंगाई दे और वंश दे खुदा। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता के नाम की जय जयकार करें, परमेश्वर पिता के नाम की बड़ाई करें, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट के केस में फंसे हैं उन्हें छुड़ा ले, बचा ले, और परमेश्वर पिता उनकी सहायता और मदद कर, संकट और मुसीबत से बाहर निकाल खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित कर परमेश्वर। जितनी भी बहनें गर्भवती हैं उनकी पीड़ाओं में तू शांति दे प्रभु, उनकी तू सहायता और मदद कर, सही समय पर उनकी डिलीवरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आशीषित कर परमेश्वर, आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार हो खुदा। हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से, आशीषित कर खुदा। उनकी गरीबी, उनके कंगालपन खत्म हो जाए प्रभु। तू दया कर, प्रभु तू रहम कर। जब तक कटनी ना हो जाए तब तक फसल सुरक्षित रहे खुदा, कोई किसी प्रकार की हानि नुकसान ना होने दे खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। उन प्रियों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करते जो अंधेरी से डरते, रात के भेद से डरते प्रभु, यीशु के नाम से उनका रात का भेद खत्म हो जाए, यीशु के नाम से बुरे स्वप्न खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए। तो स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर खुदा, यीशु के नाम से इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से मीठी नींदे, सुबह की रोशनी दे, ताकि उठकर प्रभु आपकी महिमा हो सके खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों में आइए, उसके कदमों में आइए, प्रभु आपको सारे संकट से, मुसीबतों से छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते, तेरे दास दासियों को हिम्मत और हिया दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा परमेश्वर, और पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दि नाम से मांगते हैं, आमेन। धर्मी सन ने बोला आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों में आइए, वो आपको सारे संकट और मुसीबतों से बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी वो सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।